हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली का दौरा रहने वाला है। आपको जानकारी दे दें, इस दौरे से जुड़ी हुई राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दौरे के दौरान सीएम बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बजट घोषणाओं को लागू करने को लेकर चर्चा होने वाली है। बजट घोषणाओं को लेकर भजनलाल सरकार की पूरी तरह से एक्टिव मोड में वो नजर आ रहे हैं। घोषणा को लागू करने को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक उन्होंने ली है। बैठक में मंत्रियों के साथ अधिकारियों की मौजूदगी रही है। सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को तय सीमा में सभी घोषणाओं को लागू करने को लेकर निर्देश दिए हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की मेरिडियन होटल में मीटिंग होने वाली है। बैठक और बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री देर शाम वापस दिल्ली से जयपुर के लिए रवानगी उनकी हो जाएगी। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक मौजूद हैं। सुशांत, क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, बताएं जरा। देखिए बनी जाएंगे और दिल्ली जाने का मकसद यही है कि राजस्थान को क्या कुछ मिल सकता है, खासतौर से अगर हम दिल्ली की बात करें और सड़क की बात करें, सड़क परिवहन मंत्रालय की बैठक को अगर हिस्सा लेते हैं तो फिर राजस्थान की रोड योजनाओं को लेकर आने वाले जो एक उन्होंने बना रखा है, बजट घोषणाएं हुई है, उन सब कुछ से बात हो। और दिल्ली जब भी सीएम हैं, जिनसे पहले उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं, चाहे इससे पहले हम संकट की बात कर राजस्थान को जिस तरीके से मध्य प्रदेश मदद मिली है या किस से मदद मिली है, ईआरसीटी को लेकर जो एमओयू है उसको लेकर भी हो सकता है बात हो। तो और एक आपत्ति है, चाहे नेताओं से मुलाकात करें और राजस्थान को लेकर अलग अलग क्या कुछ मिल सकता है, घोषणाओं के इम्प्लीमेंट को लेकर भी हो सकता है वो आज नेताओं। सुशांत, क्योंकि कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी रहने वाला है, किस किस से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है? और जैसे कि आप बता रहे हैं, जब जब दिल्ली का दौरा उन्होंने किया है तो कई बड़ी घोषणाएं की हैं, क्या घोषणाएं इस बार हो सकती है, सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपके? देखिए घोषणाएं अभी जो बजट में की है उनके इम्प्लीमेंट को लेकर वो ब्रीफ कर सकते हैं वहां पर, और या केंद्र का जो बजट आ रहा है उस बजट से पहले राजस्थान को क्या मिल सकता है, किस सेक्टर में क्या मिल सकता है उसको लेकर भी ये किसी बातचीत हो सकती है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है मनी कि केंद्र के बजट पहले राज्य का बजट आया है, और जो वित्तीय तौर पर मदद मिलेगी केंद्र के बजट से राजस्थान को, उसके आधार पर ही राजस्थान की बहुत सारी योजनाओं का भविष्य निर्भर करेगा। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण की बैठक महत्वपूर्ण है। और दूसरा, चाहे सड़क के कार्य हो राजस्थान में, ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू हुआ है उसकी बात हो, या बिजली को लेकर जो कोल टिकट है उसकी बात हो, ये कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर दिल्ली में नेताओं से उनकी बातचीत होनी है। लेकिन बाकी जब सीएम दिल्ली जाते हैं बहुत सारे उनकी ऐसी मीटिंग भी होती हैं जो प्रस्तावित नहीं होती, और जब तस्वीरें सामने आती हैं तब पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने किन किन नेताओं से मुलाकात की। क्या आरक्षण का मुद्दा भी इस दौरान उठाया जा सकता है सुशांत? क्योंकि इस बार चुनावों में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय था वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज नजर आया था, और वजह आरक्षण बताई जा रही थी। बिल्कुल, ये पत्र लिखने की बात थी, पहले सीएम ने ये वादा किया था भरतपुर और धौलपुर के जाटों से कि उनकी जो समस्या है बरसों से लंबित है उसको लेकर वो प्रयास करेंगे और बैल्टी करने का वादा उनका है। अब इस दौरे में क्या वो बारे में भी बातचीत करते हैं ये पता चलेगा, लेकिन उनके जेल में है और क्योंकि वो क्षेत्र से आते हैं, भरतपुर से आते हैं और वहीं का इश्यू है, तो ऐसे में ये इश्यू तो है, लेकिन क्या इस मुलाकात में इस इश्यू को एड्रेस किया जाएगा या इस संबंध में भी बातचीत हो सकती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। और एक सवाल और रहेगा सुशांत, मेरा आपसे ये सवाल आखिरी है कि बैठक दरअसल होने वाली है तमाम अधिकारियों के साथ, इस बैठक से जुड़ी हुई क्या अपडेट है अब तक? देखिए बनी, अभी अपडेट तो बैठक के बाद ही आएगी कि क्या क्या जो है इश्यू है जिन पे बातचीत होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली दौरा हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहता है और मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ राजस्थान के लेकर आते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली दौरे के बाद जब वापस आएंगे वो तो फिर कुछ सौगातें लेकर आएंगे या फिर बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती है केंद्र के बजट में राजस्थान के लिहाज से जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो लंबित है वर्षों से, क्या एड्रेस किया जा सकता है? और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बजट उन्होंने जो पेश किया है उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम जिनका फंड जो है वो केंद्र पर निर्भर करेगा, इस संबंध में भी बातचीत हो सकती है।
बहुत शुक्रिया आपको सुशांत पारिक तमाम डिटेल्स के लिए। तो महत्वपूर्ण दौरा ही माना जा रहा है, और क्योंकि बजट पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का, तो इसी से जुड़ी हुई ये मुलाकात मानी जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करने जा रहे हैं।